हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत बेबी सॉक्स लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए आपने दो रंग का ऊन लेना है। देखिए, हमने यहाँ पे 3-ply का ऊन लिया हुआ है, एक येलो और एक ब्लू कलर लिया है। आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने देखिए 9 नंबर की सिलाई यूज़ की हुई है और यहाँ पे 2 रंग का ऊन लिया हुआ है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे टोटल 36 फंदे डाले हैं, यानी 36 फंदे, 36 फंदे डाल के हमने देखिए यहाँ पे इतना बॉर्डर बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, यानी 10 सिलाई दोनों साइड से बना के उल्टा उल्टा हमने यहाँ पे इतना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारा ऊपर डिज़ाइन बनेगा। तो डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सेकंड कलर को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर, मैं 2 रंगों का आप लोग को एक एक फंदे की डिज़ाइन बताऊँगी। बहुत ही प्यारी है और बहुत ईजी भी है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ब्लू कलर से यही जोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने बना लिया नीले से और एक उतारा। फिर से देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पे बनाया और एक उतारा। ये डिज़ाइन हमारी ऐसे ही बनेगी। एक हम स्लिप करेंगे, एक निट करेंगे, यानी एक बुनेंगे और एक ऐसे ही उतार लेंगे। अभी हम पीले वाले को उतार रहे हैं और ये नीले वाले को बुन रहे हैं। बस अभी हमने कोई भी फंदा यहाँ पे घटाना बढ़ाना नहीं है। ये पहली रो है डिज़ाइन की। आगे की साइड से एक फंदा हम बुन रहे हैं और एक फंदे को हम उतार रहे हैं। तो ऐसे ही ये पूरी रो हमारी कंप्लीट होगी। देखिए, फिर से हमने एक उतारा और यहाँ पे एक फंदा हम बुन लेंगे, एक उतारेंगे, एक बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ही। तो चलिए पहली रो ये हम डिज़ाइन की कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे की साइड से ये हमारी डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। पहला रो डिज़ाइन की ये ऐसे बनी हुई है। अब देखिए, हम बैक साइड आ गए, तो पीछे की साइड से भी हमने वही करना है। जो फंदे हमने यहाँ पे बुने हैं उनको बुनना है, जो उतारा है उसको उतारना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को हमने ऐसे उतार लिया, ये बुना उतारा हुआ फंदा है येलो वाला। और फिर ऊन को हम पीछे की साइड ले जाएंगे और यहाँ पे नीले वाले को हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पे फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर ऊन को अपनी साइड लाएंगे। इसको हमने उतार लिया जो उतारा हुआ था, ऊन को पीछे की साइड ले जाएंगे, इसको बुन देंगे। पीछे की साइड से हमने फंदे को सीधा बुनना है, बस ऊन को आगे पीछे करके फंदे को उतारना है। और देखिए, फिर हमने पीछे की साइड किया, फंदा बुना, आगे की साइड किया हमने ये येलो कलर को उतार लिया फंदा, फिर पीछे की साइड किया हमने ये नीले कलर को बुन लिया। ऐसे ही ये रो हमारी कंप्लीट होगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और बहुत इजी है। इस डिज़ाइन से आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इससे आप बेबी कैप भी बना सकते हैं। अगर आप लोग इसका सेट देखना चाहते हैं बेबी कैप का, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोग के लिए इसी डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत बेबी कैप बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी रहेगा बनाना। ये देखिए, ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी। देखिए कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स, और कितना इजी है। इसे सभी बिगनर्स भी, जैसे जिसको भी उल्टे सीधे की बुनाई करनी आती है, वो लोग भी इसको बना लेंगे। और ये सॉक्स तो बहुत ही इजी है। इसके पहले फ्रेंड्स, मैंने येलो कलर का एक बहुत ही प्यारा सॉक्स बताया था, उसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। और वैसे ही कुछ डिज़ाइन इसका भी बनेगा, मतलब उतना सिंपल में ही बनेगा वो, लेकिन एकदम सिंपल था और ये डिज़ाइन बन रहा है। तो देखिए, हमारी ये डिज़ाइन की सेकेंड रो, यानी दूसरी सिलाई ये पीछे की साइड से कंप्लीट हुई। अब हम देखिए तीसरी सिलाई में हम क्या करेंगे। यहाँ पे अब सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे पीले कलर से। अब हमने नीले कलर से नहीं बनाना है। यहाँ पे जितने भी फंदे हैं, 36 फंदे हैं, तो देखिए हम सभी कलर को यहाँ पे अब पीले कलर से सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पे कोई भी फंदे को दूसरे कलर से नहीं बनाएंगे। सभी फंदे को अब हमने बुन लेना है सीधा सीधा। ये देखिए, तो चलिए आगे की साइड से हम ऐसे ही सभी फंदे को बुन के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने आगे की साइड से सभी फंदे को यहाँ पे सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हम पीछे की साइड से भी सभी फंदे को यहाँ पे सीधा सीधा ही बनाएंगे, यानी आगे और पीछे की साइड से सभी फंदे को हम यहाँ पे ये पीले कलर से सीधा सीधा ही बना रहे हैं। ये देखिए, तो ये हमारी फ्रेंड्स सिर्फ 2 सिलाई की डिज़ाइन है, 3 सिलाई मान के चलिए, ये तीसरी सिलाई है।
ऐसे ही अब हम सभी फंदे को यहाँ पे पीछे की साइड से सीधा सीधा बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड आ गए तो हमारी डिज़ाइन कुछ ऐसे मोती सी बन के आएगी। देखिए जैसे लग रहा है मोती लगी हुई है, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। फिर से अब यही हमने रिपीट करना है। एक फंदा हम बनाएंगे, एक उतारेंगे। बस याद रहे, स्टार्टिंग में जो भी फंदे आपने जिस कलर से बनाया सेम वैसे, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से ही ये ब्लू कलर से बनाया है। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग का मतलब पहला फंदा उतार के फिर सेकंड फंदे को आप बनाएं, तो वैसे ही आपने ऊपर भी डिज़ाइन कंटिन्यू करनी है। देखिए जैसे ये हमने उतारा है तो इसी के ऊपर फंदे उतरेंगे। बस बहुत ईजी है, आप लोग समझ गए हैं कितना ईजी ये डिज़ाइन है। एक फंदा हम यहाँ पे बुन रहे हैं और एक उतार रहे हैं। पीछे की साइड से भी यही करना है। पीछे की साइड से भी जो हम फंदे बुन रहे हैं उनको सीधा बुनना है और आगे की साइड से हम सीधा बना रहे हैं। ये देखिए पीछे की साइड से भी जो फंदे हम बुनेंगे उनको बुनना है और जो उतारे रहेंगे उनको उतारना है। ऐसे ही ये वाली रो भी हम कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, चलिए इतना बना के पीछे की साइड आते हैं। अब देखिए हम पीछे की साइड आ गए हैं। पीछे की साइड से सेम वही करना है। पहले फंदे को हमने उतार लिया, उनको पीछे ले जाएंगे, इसको हमने सीधा बना लिया, उनको अपनी साइड उतारा, उनको पीछे ले गए, इसको हमने सीधा बुन लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग को एकदम सरल से सरल डिज़ाइन बताया जाए, क्योंकि सभी लोग नहीं बुन पाते हैं। जैसे जो बिगनर्स जो सीख रहे हैं, जिनको सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है, तो वो लोग भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसीलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोग आराम से बना ले अपने बच्चों के लिए, या आप लोग को गिफ्ट करना है फिर आप बच्चे का सेट बना सकते हैं, या तो आप लोग यही बेबी कैप और सॉक्स बना के गिफ्ट कर सकते हैं। सर्दियाँ वैसे भी स्टार्ट हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है आप लोग को, आप लोग को समझ में आता है या नहीं। ये देखिए हमने ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर ली। अब आप लोग को ये डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, हमने ये वाली रो कंप्लीट करनी है। देखिए रिपीट करनी है, सॉरी येलो वाली। अब हम आगे की साइड से सभी फंदे को यहाँ पे सीधा सीधा बनाएंगे पीले कलर से, फिर हम पीछे की साइड आएंगे तो सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे, यानी आगे और पीछे से दोनों साइड से हमने ये सीधा सीधा ही बनाना है। जो हमने यहाँ पे बेस कलर रखा है उस कलर से, तो यहाँ पे हमने बेस कलर येलो कलर रखा है। आप दो कलर कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, आप इसे बचे हुए ऊन से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को मैं से कंटिन्यू करके यहाँ पे देखिए दो डिज़ाइन बन चुकी है। तीसरी डिज़ाइन अभी हम बना के फिर आप लोग को दिखाते हैं कि आगे करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिज़ाइन यहाँ पे तीन डिज़ाइन बनकर कंप्लीट है, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमने यहाँ पे फंदे को कम करना है, तो आप देखिए हमने यहाँ पे ये येलो कलर से एक सिलाई आगे से एक सिलाई पीछे से बना लिया है। अब हम ब्लू कलर से नहीं बनाएंगे, सिर्फ येलो कलर से ही हमारे यहाँ पे फंदे बनेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड से इसको सीधा सीधा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 फंदे बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक फंदा 12। तो यहाँ पे हमने 12 फंदे बना लिए। अब सेंटर के हमने 12, 12, 12, 24, 12, 36 तो यहाँ पे 12 फंदे इधर रख के सेंटर के 12 फंदे को हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम 12 फंदे का 6 फंदा कर देंगे, यानी दो फंदे को एक साथ बनाएंगे, दो फंदे। तो देखिए यहाँ पे दो फंदे को एक साथ बुना, 1, 2, 3 ऐसे आगे की साइड से लाके आपने बनाना है, 4
पाँच, एक बार और हो गया छः। ये देखिए हमारे यहाँ पे छः फंदे। अब इधर हम काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः दूनी बारह इधर है, और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः दूनी बारह, बारह बारह चौबीस, और ये देखिए एक दो तीन छः, छः फंदे इधर हो गए, बारह का ये आधा छः हो गया। अब देखिए ये फंदे को भी हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेते हैं। बहुत इजी है ये, सिर्फ हमने फंदे को ऐसे ही एक सिलाई में इधर से कम किया। अभी पीछे की साइड से थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए हम पीछे की साइड आ गए, सभी फंदे को सीधा सीधा बना के, पीछे की साइड से भी हम सभी फंदे को सीधा सीधा ही बनाएंगे। पहले फंदे को आप चाहे उतार ले चाहे बुन ले। अब यहाँ पे देखिए हम बारह फंदे बनाएंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और एक फंदा बारह। यहाँ पे बारह फंदे हमने बना लिया। अब देखिए बारह फंदा है, तो अब यहाँ पे हमने सेंटर में क्या करना है फ्रेंड्स, एक फंदे पे देखिए अब हम ये जो हमारा तेरहवां फंदा होगा इस पे देखिए हम इस फंदे को, सारे पांच फंदे को हम इस पे गिराएंगे। देखिए ऐसे इसी के ऊपर से ऐसे, देखिए एक, फिर देखिए एक ही फंदे के ऊपर से हमने यहाँ पे दो पांच फंदे को गिरा देना है, तीन चार और एक पाँच। यहाँ पे काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, बारह इधर है, बारह इधर है, बारह दूनी चौबीस और एक पच्चीस। यहाँ पे एक फंदा है, इसको भी हम सीधा बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, एक फंदे पे हमने यहाँ पे देखिए पांचों फंदों को गिरा दिया। अब ये हमारे यहाँ पे टोटल 25 फंदे हो गए। तो पीछे की साइड से हम सभी फंदे को भी सीधा सीधा बना के आगे की साइड आएंगे। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, रुकिए आगे की साइड हम आ जाए बना के, फिर आप लोग को समझा देते हैं कि अब क्या करना है हमने। अब देखिए हम आगे की साइड आ गए, आगे की साइड आने के बाद अब आपने इन्हीं 25 फंदे का देखिए ऊपर आपको बॉर्डर कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो देखिए चार से पांच लाइन ऊपर बॉर्डर हम कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक दो तीन, तीन लाइन हमने ये बॉर्डर बनाई है। चौथी लाइन में हमने देखिए क्या करना है, लास्ट वाली लाइन में हमने यहाँ पे डोरी बनाने के लिए जाली बनाना है। तो पहले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, उनको अपनी साइड लाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम दो फंदे का एक करेंगे, ठीक। ये देखिए दो फंदे का एक किया, फिर से उनको अपनी साइड लाएंगे और यहाँ पे दो फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे फंदे भी कम हो जा रहे हैं और एक फंदा हमारा बढ़ भी जा रहा है। फंदा कैसे बढ़ रहा है, जो हम उनको अपनी साइड कर रहे हैं। देखिए फिर तो यहाँ पे जो हमारे फंदे बढ़ रहे हैं वो जाली टाइप के बनेंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट में ऊपर की साइड एक डोरी लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डोरी लगाने से क्या होता है, बच्चे के पैर से सॉक्स निकलती नहीं है। ये देखिए उनको अपनी साइड लाया, यहाँ पे दो फंदे का हम एक करेंगे, फिर उनको अपनी साइड, दो फंदे को एक साथ बना दिया, फिर से उनको अपनी साइड दो फंदे का एक, यानी दो का यहाँ पे एक हो रहा है और एक एक फंदे बढ़ भी रहे हैं, तो यानी एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। देखिए उनको अपनी साइड दो फंदे का हम यहाँ पे एक कर देंगे। ऐसे ही ये पूरी रो हमने बनानी है, मतलब ये 25 फंदे को हमने ऐसे ही बनाना है, दो फंदे का एक कर देंगे, फिर से उन अपनी साइड यहाँ पे दो फंदे को हम एक साथ बना लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे अभी अभी आप लोग आगे की साइड से देखिएगा, यहाँ पे जाली बन के आ जाएगा, फिर से यहाँ पे दो फंदे का एक, लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो यहाँ पे भी हम
उनको अपनी साइड ला के, सॉरी देखिए सिलाई से, देखिए उनको अपनी साइड ला के, और यहाँ पे भी हम दो फंदे का एक कर दिया। अब देखिए आगे की साइड आ गए, यहाँ पे हमारे जाली बन गए हैं। आगे की साइड से आपने क्या करना है, सभी फंदे को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे ताकि ये जाली हमारी एकदम अच्छे से बन के आए। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारी होल बन गई है ना। तो ये जो जाली जाली बन के आया है, इसी में हमने ये डोरी लगानी है बना के। क्रोसिया से आप लोगों ने डोरी बना लेना है चैन बना के। तो यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे ब्लू कलर से। तो इसको चलिए हम ऐसे ही सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के 25 फंदे को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी यहाँ पे जाली बन के आई है। अब हम पीछे की साइड से सभी फंदे को बंद करेंगे। फंदे देखिए हम यहाँ पे कैसे बंद करेंगे, यहाँ पे दो फंदे को हम एक साथ बना रहे हैं। इसको बनाए फिर इस फंदे को इस पर लाएंगे। याद रहे फंदे को ज़्यादा आपने टाइट नहीं बंद करना है ताकि बच्चे के पैर में आराम से चला जाए। तो इसको फ्रेंड्स आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ के बच्चों को, सॉरी न्यू बॉर्न बेबी से लेके 4 या 5 मंथ के बच्चे को आप पहना सकते हैं। देखिए ऐसे हमने पीछे की साइड से आपने फंदे को उल्टा उल्टा बना के बंद करना है ताकि देखिए आगे की साइड हमारी ऐसे चैन बन गया है। ये देखिए, तो चलिए ऐसे ही सभी फंदे को यहाँ पे बंद कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बंद करने के बाद आप लोग को डोरी बना के दिखाते हैं। लास्ट में देखिए हमने यहाँ पे धागे को कट कर दिया है, और जो यहाँ पे धागा है एक्स्ट्रा, इसको हम इसके अंदर से डाल के फिर खींच देंगे ताकि यहाँ पे हमारे ये जो फंदे हैं वो बंद हो जाए। ये देखिए हमारे फंदे बंद हो गए। हमने यहाँ पे छोटा इसलिए काटा है फ्रेंड धागा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा धागा है, इसी को हम सुई में डाल के उसके बाद यहाँ पे सिलाई। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे दोनों बनाया है, लेकिन अभी सिलाई नहीं किया है फ्रेंड्स। सिलाई आप लोग के सामने करके फिर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत ये बना है, ये देखिए दोनों। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई, सिलाई कैसे करना है आपने देखिए, नॉर्मल मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिलाई जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ, सेम वही सिलाई यहाँ पे भी करनी है। देखिए यहाँ भी हम सुई में धागे को डालेंगे, और यहाँ से लेके सिलाई आपने यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल सिलाई आपने करनी है। तो देखिए कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। तो चलिए सिलाई करके फिर मैं आप लोग को डोरी लगाना बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमने यहाँ से सिलाई कर ली है, इसको हम सीधा करेंगे। नॉर्मल सिंपल सी सिलाई आपने करनी थी। कितना इजी है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे की साइड से कितना खूबसूरत बन के आया है। ये देखिए तो अब हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। डोरी के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ब्लू कलर का बना लिया है। यहाँ पे चैन बनाते हुए हमने ये बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब चलिए हम यहाँ पे जो हमने जाली बनाई थी यहाँ पे हम लगाएंगे, और ये पहला पार्ट जो हमारा है बांधने वाला, ये आगे की साइड आएगा। जैसे कि देखिए मैंने एक सॉक्स में ये बना के कंप्लीट किया है। ये देखिए हमारा बांधने वाला पार्ट है, ये हमने आगे कर दिया। आप चाहे तो साइड में कर सकते हैं।